hello everyone today i'm going to discuss about the fema act fera and fema these two acts are there one is fera and second one is fema these two acts are very important when we discuss about the foreign exchange as well as when we discuss about the business environment syllabus. government 1970 ke the government introduced act that is known as the fera yani ki foreign exchange regulation act और 90s के अंदर जाके एक्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज किया गया और एक्ट का नाम हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे थे रेगुलेट कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट एक्ट और 1991 के बाद जब कंट्री के अंदर एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे कुछ फॉरेन एक्सचेंज को लेके जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं वी आर गिविंग फ्रीडम टू अदर कंट्रीज़ टू एंटर इन आर कंट्री तो वहाँ पे हमने क्या किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया जहाँ हम रेगुलेशन वर्ड यूज़ कर रहे थे उसको हमने मैनेजमेंट कर दिया जो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जिसे हम फेरा कहते हैं पास बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1973 और 1974 फर्स्ट जैन को ये इफेक्ट के अंदर आ गया था तो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया 1974 के अंदर जिससे हम जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वेदर इन द फॉर्म ऑफ एफ वेदर इन द फॉर्म ऑफ हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन करंट अकाउंट इन कैपिटल अकाउंट किसी भी फॉर्म में हमारे पास जो फॉरन इन्वेस्टमेंट आ रहा था उसको हमें वहाँ पर रेगुलेट करना था तो गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया अब फ़ेरा का क्या काम था फ़ेरा ने इम्पोज रेगुलेशन ऑन सर्टेन काइंड ऑफ पेमेंट जो डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट्स हैं अभी मैंने आपको डिस्कस किया करंट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट है जो हमारे पास डायरेक्ट पेमेंट्स आ रही हैं इन चीज़ों को उसने रेगुलेट करना शुरू कर दिया इट डील्स इन फॉरन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी एंड द ट्रांजेक्शन विच हैड एन इंडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फॉरन एक्सचेंज एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द करेंसी इसका मेन काम क्या था फ़ॉरन एक्सचेंज के अंदर डीलिंग करना फ़ॉरन <coughs> एक्सचेंज क्या होता है जब हम करेंसी की बात करते हैं जब हम ह्रांजेक्शन्स की बात करते हैं कि कितना हमारी कंट्री के अंदर पैसा आ रहा है ठीक है कितना हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना हमें उस पर डिविडेंट आ रहा है कितना इंटरेस्ट आ रहा है जब हमारी कंट्री दे रही है तो रेमिटेंस की जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंट तो हम फॉरन एक्सचेंज की वहाँ पर इन सब चीज़ों से हम लोग डील करते हैं जो फ़ॉरन करेंसी में हमने डील कर लिया दैट इज़ नोन एज द फॉरन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन जो भी हम शेयर मार्केट की बात करते कोई भी शेयर हमने परचेज़ कर लिया कोई भी ट्रांजेक्शन हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ट्रांजेक्शन कर ली जो हमारे फॉरन एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट करता है और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के ऊपर इन सब चीज़ों से फेरा को डील करना था फिर आती है बात की द पर्पज़ ऑफ़ द एक्ट वाज टू रेगुलेट सर्टन पेमेंट लाइक अब हमने बात की कि, कि कई तरह की पेमेंट्स को वो रेगुलेट वहाँ पर कर रहे थे तो इसका क्या था पर्पज़ इसका पर्पज़ ये था कि जो certain, uh, पेमेंट्स हैं उनको वहाँ पे रेगुलेट करना है डीलिंग करना है फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी में डील करना है ट्रांजेक्शंस इंडायरेक्टली इफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी जब हम बात करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ़ फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री यानी कि जो भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं जो हमारी बाउंड्री से बाहर पैसा जा रहा है जा आ रहा है उसको हमें वहाँ पर रेगुलेट करने का ज़रूरत था इसीलिए हमने वहाँ पर फेरा को इंट्रोड्यूस कर दिया अब क्या बात हुई कि जो फ़ेरा है उसको हमने फेमा से रिप्लेस कर दिया यानी कि इसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हम नाइन्टीज़ के अंदर लेके आए ठीक है उसको फ़ेरा को हमने वहाँ पे रिप्लेसमेंट वहाँ पे दिया क्यों किया क्योंकि हम जो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल है जो रिस्ट्रिक्शन है उनको थोड़ा सा फ्री करना चाह रहे थे लिबराइज लिबरलाइज वहाँ पर हम करना चाह रहे थे इसीलिए हमने फ़ेमा वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया नाइन्टीज़ में एज़ लाइक हम कहेंगे पहले जो फ़ेरा था अब आप बात करते हैं कि फेमा फ़ेरा से फेमा हम क्यों आए क्या रीज़न वहाँ पे रहे देखो पहला रीज़न तो यही था कि 1991 के अंदर जब एल uh, इंट्रोड्यूस किया गया तो गवर्नमेंट को वहाँ पे लगा कि हमें मैनेज करना चाहिए तो मैनेज करने के लिए उन्होंने एक्ट में रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट वहाँ पे उन्होंने लेके आए जिससे हमारा कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहे जायसदा इन्वेस्टमेंट uh, हमारी कंट्री के अंदर आए तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन उन्हें देना था जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड था ठीक है उन्होंने वहाँ पे रिलैक्स कर दिया कंट्रोल को और जो भी हम कहते हैं कि मेक ट्रांजैक्शन फॉर एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं उसको ईजियर कर दिया ठीक है वेदर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं या कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो जो आर की परमिशन इतने ज़्यादा अब रिक्वायर्ड नहीं थी एक्सटर्नल ट्रेड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड आर परमिशन तो इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरन एक्सचेंज हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मिले फ़ेमा इंट्रोड्यूस किया 1999 के अंदर ये एक्ट आया था जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी कहते हैं और इन शॉर्ट हम उसको फेमा कह लेते हैं और ये क्या था कि रिप्लेसमेंट हुआ किसका रिप्लेसमेंट हुआ फ़ेरा का अभी तक आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो ये फर्स्ट डे ऑफ जून टू में इंट्रोड्यूस जो कम इन टू फोर्स है लेकिन नाइन्टीन एक्ट के अंडर ये आया है जिसे हम फेरा की बात करते हैं सेवेंटी में ये एक एक्ट के अंडर आया सेवेंटी में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये टू में इंट्रोड्यूस हुआ अब हम बात करते हैं फेमा की यहाँ पे फेमा ने क्या क्या किया फेमा ने क्या किया इसने जो कंसोलिडेट किया जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज़ की हम बात करते हैं amend किया उन्हें चेंज किया रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज सेकेंड है इसने फैसिलेटिंग किया किसको किया फैसिलिटेटिंग किया इसने एक्सचेंज ट्रेड और पेमेंट को एक्सचेंज ट्रेड क्या होता है मैंने पहले भी वीडियो बनाई है फॉरेन ट्रेड और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं थर्ड है इसने प्रमोट किया किसको प्रमोट किया इसने और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया देखो ओवरऑल रोल फेमा का क्या है ओवरऑल रोल है कि फॉरन एक्सचेंज को इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इसके अंदर टोटल सेक्शन थे फोर्टी आई थिंक यू आर क्लियर विद फेमा फेमा 99 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था इसका मेन वर्क ही यह था फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना लेकिन एक रिलैक्स वे में वहाँ पे कंट्रोल करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर आए अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था ये मेन डिफरेंस एग्ज़ाम्स के अंदर भी आता है कि वट इज़ द डिफरेंस इन द फेरा एंड फेमा क्या क्या चेंजेस वहाँ पर किए गए तो लेट्स डिस्कस फ़र्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ फेरा वाज टू प्रोटेक्ट द दॉरेक्स एंड टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज ही सिर्फ फ़ेरा क्या करता था वो रेगुलेट करता था फ़ॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या करता था वो जो हमारा फ़ॉन एक्सचेंज फॉरक्स है या फॉरन एक्सचेंज है उसको प्रोटेक्ट करता था कि उसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन जो हमारा फेमा है फेमा क्या कहता है कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ट्रेड को हमें मोटिवेट वहाँ पे करना है जो पेमेंट्स है उनको एक रेगुलेट वे में लेके आना है और जो हमारा मेंटेनेंस है किसका मेंटेनेंस है फ़ॉरेक्स का तो होगा ही होगा विद द हेल्प ऑफ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया यानी कि इन्होंने थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट ये लेके आया है कि अगर हम फॉरेक्स मार्केट को इंट्रोड्यूस करेंगे वी आर प्रोवाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन वी आर गोइंग टू रिलैक्स द रूल्स एंड रेगुलेशन तो वहाँ पर हमारे पास फॉरेक्स जो मार्केट है फॉरन एक्सचेंज मार्केट है वो ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा उससे क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा ही आएगा लेकिन हमारे पास जो पेमेंट्स हैं या हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फेरा से फेमा में आने का यही रीज़न था कि हम उस चीज़ को और ज़्यादा बड़ा करना चाह रहे थे ठीक है अब हम फेरा की बात करेंगे तो उसके अंदर अगर कोई भी ए, हम कहते हैं कि रूल्स वहाँ पे नहीं हमने लिए तो वहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस वो माना जाता था लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं फेमा की तो इसमें सिविल ऑफेंस वो माना जाएगा दिस इज़ द मेन डिफरेंस नेक्स्ट है जब हम फेरा की बात करेंगे इसके अंदर कोई भी ऑफेंस होता था कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो नॉन कंपाउंडेबल था नॉन कंपाउंडेबल यानी कि आप उसको आप कहते हैं ना आउट ऑफ कोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते थे उसके लिए लेकिन फेमा में ये पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि सारे के सारे जो भी ऑफेंसेस हैं फेमा के अंदर वो भी सिविल ऑफेंस माने जाएंगे लेकिन वो कंपाउंडेबल है यानी कि हम हिंदी में बात करें तो हम समझौता कर सकते हैं लेकिन आउट ऑफ कोर्ट आप इसमें बात कर सकते हो अगर ये कहीं कही ना कहीं हमारे रूल्स के अंदर आ रहा है तो नेक्स्ट है सिटीजनशिप वॉज अ क्राइटेरिया टू डेटामाइन जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते थे किसी भी पर्सन की फेरा में तो सिटीज़नशिप वहाँ लेना ज़रूरी है ठीक है लेकिन फेमा में उन्होंने ये चेंज कर दिया अगर कोई भी पर्सन 180 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है तो वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस वो डिसाइड करेगा तो ये एक बड़ा चेंज वहाँ पे लेके आया कि सिटीजनशिप का वहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है जहाँ हम सिविल ऑफेंस की बात कर रहे हैं कंपाउंडेबल की बात कर रहे हैं अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहे एक्ट के जब भी हम एक्ट की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ गोल्स ऑब्जेक्टिव हर एक्ट के होते हैं इसका क्या है कि हमें एक्सटर्नल ट्रेड को वहाँ पे बढ़ाना है सेकंड है कि हमने प्रमोट करना है किसको प्रमोट करना है एक्सटर्नल ट्रेड को तो करना ही करना है लेकिन हमने जो डेवलपमेंट है मैंटेनेंस है फ़ॉरन एक्सचेंज मार्केट को हम ले आ रहे हैं देखो फ़ॉरन एक्सचेंज मार्केट एक छोटा वर्ड नहीं है इस अ ब्रॉडर टर्म ये नहीं है कि सिर्फ पेमेंट आया हमारी कंट्री में आ गया और पेमेंट चला गया नहीं इसका मतलब क्या हुआ फ़ॉरन एक्सचेंज डील्स विद डिफरेंट ट्रांजेक्शन ठीक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत ब्रॉड है इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो पांच मार्केट आती है स्पोर्ट मार्केट आता है फॉरवर्ड मार्केट आता है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना बना दूंगी ठीक है एक फ्यूचर मार्केट हमारे पास आता है एक हमारा हम कहते हैं कि ऑप्शन मार्केट हमारे पास आती है एक हमारे पास स्वैप मार्केट आती है तो फॉरेन एक्सचेंज इन पांच मार्केट के अंदर फर्दर डील करता है तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ॉर एक्सचेंज में जो भी हम पेमेंट्स ले रहे हैं जो भी हम ट्रांजेक्शनस कर रहे हैं जो भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं या हम फॉरन ट्रेड की बात करते हैं वो सारी चीज़ों को वहाँ पे हमें डेवलप करना है वहाँ पे हमें मेंटेन करना है लाइक जो अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो हमारी क्लियर कट होनी चाहिए कहीं ना कहीं फेमा इस चीज़ को वहाँ पर प्रमोट करता है अब कई सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसके अंदर यूज़ हो रही हैं ठीक है तो फटाफट -फड़ से एक रिवीजन इसका ले लेते हैं ठीक है तो इम्पोर्टेंट टर्म जैसे ऑथराइज पर्सन की हम बात करते हैं कौन डील कर सकता है अभी मैंने आपको बताया कि 182 डेज़ के बाद उसका स्टेटस वहाँ पर्सन का क्लियर हो जाएगा हम इसमें करेंसी की बात कर सकते हैं करेंसी नोट की मनी ऑर्डर की चेक की ड्राफ्ट की हम बात कर सकते हैं करंसी नोट की जब भी हम बात करते हैं हम बात करते हैं कि कॉइन्स एंड बैंक नोट की हम बात करते हैं करंसी अकाउंट ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं ठीक है इंडियन करेंसी की जैसे इंडियन रुपी की बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं इम्पोर्ट आपको पता होगा एक्सपोर्ट आपको पता है सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं जब हम शेयर स्टॉक की बात कहें ठीक है रिपेट्रिएट क्या होता है जब हम अपना फॉरेन एक्सचेंज अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर लेके जाएँ या दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर पैसा अपना वापस लेके आए हम सर्विसेज की बात करते हैं बैंकिंग है फाइनेंसिंग इंश्योरेंस है टूरिज्म है ट्रांसपोर्ट है ये सारी सर्विसेज हैं ट्रांसफ़र की बात करते हैं सेल एंड परचेज एक्सचेंज की बात करते हैं एन की बात करते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कितने दिन में हमें मिलेगा ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडी यानी कि जो भी कंपनीज़ फॉर्म्स हैं जो बाहर हैं ओवरसीज बाहर हैं ठीक है जैसे हम कहते हैं ओन एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट द एन पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजन हम किसे मानेंगे तो ये सारी चीज़ें ये सारी टर्म्स हम इसके अंदर लेके जाएंगे कुछ प्रोविजंस यहाँ पे बने हुए हैं ठीक है तो प्रोविजंस की जब हम बात करेंगे हम ऑथराइज पर्सन की बात करेंगे अभी आपको क्लियर हो गया होगा मेक एनी पेमेंट टू और फ्रॉम क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इन एनी मैनर रिसीव अदरवाइज एन ऑथोराइज पर्सन एनी पेमेंट बाई ऑर्डर और बिहाफ ऑफ एनी पर्सन वही चीज़ें हम यहाँ पर ले कर चलेंगे डिफरेंट <coughs> हमने यहाँ पर सेंक्शंस हैं फेमा के उसको डिस्कस किया गया है जैसे सेक्शन फोर के अंदर हम कहते हैं कि एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम रिस्टीन क्या होता है लेकिन हम कहते हैं कहीं ना कहीं हम उसको रोकेंगे ठीक है ये काम नहीं करना है तो उसके उसके रिगार्डिंग इसमें रूल बना हुआ है करंट अकाउंट के रिगार्डिंग रूल बना हुआ है कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग रूल बना हुआ है करंट अकाउंट हम पहले भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर स्टडी कर चुके हैं ठीक uh, है, है जो भी हम सेल कर रहे हैं परचेज़ कर रहे हैं जो भी हम फॉरन एक्सचेंज में वेदर कैपिटल अकाउंट के हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कैपिटल को वहाँ पर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या करंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम बात करें तो उनको वहां पर रेगुलेट ये करता है ठीक है तो ये सारे की सारी चीज़ें इसमें मेंशन है एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज पर्सन इफ़ सच सेल और ड्रॉ इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन लाइक पर्सनस आर ऑथराइज टू डू दैट लेकिन जो आरबीआई बी नहीं है उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगा रखी हैं जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है तो हम वहाँ पर आर से कंसल कंसल्ट कर सकते हैं जो भी उसने रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगा रखी हैं और उसको टाइम टू टाइम हम वहाँ पर रिव्यू करेंगे तो यही हमें फेमा के अंदर है जैसे कुछ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हम कौन-कौन सी लेंगे जैसे हमने कहा कि हमने इम्पोर्ट का पेमेंट कर दिया जाए इंटरेस्ट को रेमिटेंस कर दिया यानी कि हमारी कंट्री के अंदर पैसा लगा हुआ है डिविडेंड हमने वहां पे दे दिया कोई एयरलाइन का टिकट हमने बुक कर दिया सैलरी या कंपनसेशन की हम वहां पे बात कर सकते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन है ये हमारे करंट अकाउंट का पार्ट हो जाएगा फिर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंदर जब हम कैपिटल की बात करेंगे मेनली हम कहते हैं कि ट्रांजेक्शन विच अल्टर द एसेट तो हम कहते हैं एसेट्स की हम वहाँ पे बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की हम वहाँ पे बात करते हैं ठीक है जैसे हम कहते हैं चेंज इन एसेट है या ट्रांसफ़र करते हैं बोरो करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं करेंसी का करेंसी नोट का या कोई गारंटी देते हैं गारंटी क्या होता है कई बार जो सेलर है और परचेज़र जो भी है बायर है इसके अंदर जो बैंक है वो वहाँ पर गारंटी ले लेता है तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को भी हम वहाँ पर लेके जाएंगे अब बात आती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखो जब फॉरेन एक्सचेंज फेमा की बात करेंगे मेनली हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ही बात करेंगे और फिर हम अपने कैपिटल ट्रांजैक्शंस की एफडीआई की बात भी कर सकते हैं तो जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सेक्शन सेवन के अंदर डिस्कस किया गया है तो एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स शेल फार्निश टू द आर और सच अथॉरिटी द फॉलोइंग यानी कि उसे क्या क्या वहाँ पे बताना पड़ेगा देखो जब भी हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे इन्वॉयस अपना दिखाना पड़ता है इन्वॉयस होता है जिसमें सारी चीज़ मेंशन होती है कि, कि कितना अमाउंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किस प्राइस पे कर रहे हो कितनी क्वांटिटी में आप वहाँ कर रहे हो तो वहाँ पर एक डिक्लेरेशन का रिक्वायरमेंट होता है कि आपको वहाँ पर डिक्लेरेशन वहाँ पर आर को देना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर फॉरन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसके बदले क्या मिलेगा आपको पेमेंट मिलेगा तो पेमेंट अगर आपको मिल है वहां पे तो वो बैंक के थ्रू ही आपका पेमेंट आएगा करेंसी कन्वर्ट वहाँ पे होगी तो कहीं ना कहीं आरबीआई से आपको इन चीजों को लेके डिस्कस है जो भी चीजें हैं वो आपको अपना स्पेसिफाइड करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे क्या क्या स्पेसिफाइड करना पड़ेगा जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं हमें वहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो हमारा मटेरियल है वो Uh, क्या है क्या डील हम वहाँ पे कर रहे हैं जितना भी है एक्सपोर्ट का कितना वैल्यू हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट हम वहाँ पे बताएंगे द वैल्यू विच एक्सपोर्टर हैविंग रिगार्ड टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन एक्सेप्ट टू रिसीव ऑन द सेल ऑफ़ गुड्स इन अ मार्केट आउटसाइड इंडिया तो हम वहाँ पे लेके चलेंगे कि द जो एक्सपोर्टर है जो प्रिवेलिंग मार्केट के अंदर क्या कंडीशन है और कितना वहाँ पे वो सेल ऑफ गुड्स जो मार्केट कर रहा है आ, आउट ऑफ इंडिया कितनी वो मार्केट वहाँ पे कर रहा है अदर इंफॉमेसन यानी कि एक्सपोर्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉमेसन होगी वहाँ पर वो ट्रू होना चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें हम उसके अंदर मैंशन करेंगे जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं थैंक यू थैंक्स अलॉट होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू